आजकल मेट्रो लोगों के अतरंगे कारनामों की वजह से फेमस है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। हर दिन कुछ ना कुछ अतरंगे कारनामे लोगों को देखने को मिलते हैं। कई चीज़ें ट्रेंड में रहती हैं, कुछ वायरल रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड में क्यों चलती है? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो बने रहो, नहीं तो आप विज्ञान के अंधे हो। मेट्रो ट्रेन जो हमें आसानी से घूमने का मौका देती हैं, कुछ अलग तरीके से चलती हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर चलती हैं तो कुछ अंडरग्राउंड चलती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुछ मेट्रो ऊपर क्यों चलती हैं। ऊपर चलने वाली मेट्रो सबसे ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता। इस तरीके के मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी आसान होता है और इन ज़मीन पर मेंटेन करने में भी हमें आसानी होती है। लेकिन कुछ मेट्रो अंडरग्राउंड होती हैं, ये क्यों? क्योंकि जब शहर में ऑलरेडी ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो अंडरग्राउंड मेट्रो एक ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है। इससे शहर के लोग बिना किसी तकलीफ के आसानी से घूम सकते हैं और ट्रैफिक से बच सकते हैं। मेट्रो लाइंस को बनाते वक्त इंजीनियर को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे भी मेट्रो पैसेंजर को कंफर्टेबल और सेफ रखें। ऊपर चलने वाली मेट्रो के पिलर और स्टेशन का डिज़ाइन डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड मेट्रोज। दोनों तरीके की मेट्रो के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ऊपर चलने वाली मेट्रो में आप शहर की खूबसूरती का व्यू एंजॉय कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, जबकि अंडरग्राउंड मेट्रो आपको सिटी के नीचे के हिस्से से गुजरने का मौका देती है। अगर आपको और कोई कारण पता है कि ऐसा क्यों होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हमें भी पता चल सके और कारण और लोगों को भी पता चल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।